बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एचबीएन स्पेशल रिपोर्ट के इस शुमारे में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत इस्तकबाल है। जैसे कि आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि एचबीएन चैनल की हमेशा एक कोशिश रही है कि हम आप तक वो ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचे जो हमें अपने नुमाइंदों से मौसूल होते हैं। तो इसी सिलसिले में आज के प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कश्मीर के पेचीदा और दरीना मसले का हल तलाश करने के लिए भारत के सरकर्दा कानूनदान और मेंबर पार्लियामेंट राम जेठमलानी की सरबराही में कायम किए गए गैर सरकारी ग्रुप कश्मीर कमेटी के अरकान ने राम जेठमलानी समेत 2 जून से 6 जून तक कश्मीर वादी का दौरा किया, जिस दौरान कमेटी मेम्बरान ने इलाहदी की पसंद और मेन स्ट्रीम जमातों के लीडरों, मीडिया से वाबस्ता अरकान और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोगों से कश्मीर मसले के हल पर खुलकर बातचीत की। ये शायद पहला मौका था जब हुर्रियत के दोनों दड़ान ने राम जेठमलानी की कश्मीर कमेटी के साथ बात करने पर रजामंदी का इजहार किया। इस कमेटी में राम जेठमलानी के अलावा वीके ग्रेवर, मधु केशवरिया और वहीदुर्रहमान भी मौजूद थे। सबसे पहले हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गीलानी के घर पर जाकर उनसे तफसीली मुलाकात की और मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत की। एक रिपोर्ट। हमने बहुत खुशी महसूस की कि हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी और खास तौर राम जेठमलानी साहब जो लीडिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक हिंदुस्तान की एक खास पार्टी से भी वाबस्ता हैं सियासी तौर, तो हमने इनका दिल की गहराई के साथ खैर मकदम किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो भी लोग यहाँ आ जाएं उनसे हम मिलें और ख़ास तौर जो पब्लिक के साथ वाबस्ता हों और जो जिनकी कोई सरकारी हैसियत ना हो उनके साथ हम बात करें और उनको जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से ठीक तरह आगाह करने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में भारत के वासियों को बाखबर नहीं रखते हैं, आगाह नहीं करते हैं और इस तरह भारत के जो 1 अरब 21 करोड़ लोग हैं वो सारे ठीक तरह वाकिफ नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला क्या है। हमने उनसे कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ खत्ता है और 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर पर फौज का कब्ज़ा है हिंदुस्तान का और ये फौजी तसल्लुत है। इस फौजी तसल्लुत में जम्मू कश्मीर के आवाम की जो गालिब अक्सरियत है उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी जा चुकी है और के तसल्लुत से तकरीबन 1 मिलियन फौज यहाँ हिंदुस्तान की है जिन्होंने यहाँ हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, हमारे रिसोर्स जो हैं उन पर कब्ज़ा किया है, जो हमारी जानें छीनते हैं, जो हमारी इज्जत लूटते हैं, जो हमारी असमतें पामाल करते हैं, जो हमारी बस्तियों को खाकस्तर बना देते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के आवाम की गालिब अक्सरियत का जेन्युइन काज है कि भाई उनके साथ जो भारत ने कौमी सतह पर वादा किया है कि भाई आपको पूछा जाएगा अपने मुस्तकबिल के बारे में और फिर ये भी एक तारीखी हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता कि खुद हिंदुस्तान ये कज़िया अक़वामे मुत्तहिदा में ले गया और वहाँ कुल मिलाकर 18 करारदादें पास हो चुकी हैं जिनमें जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तस्लीम किया गया है और कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के इस्तेमाल का मौका दिया जाना चाहिए। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई एक तो कौमी सतह पर जो हमसे वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए और फिर जो अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादे हैं उन पर जो दस्तखत किए हैं उनको तस्लीम किया गया है। एक खुशी की बात तो ये कि गिलानी साहब ने कहा कि हम भी अमन चाहते हैं और अमन की ज़रूरत जितनी कश्मीर को है इतनी शायद दूसरे हिंदुस्तान में किसी भी इलाके को नहीं। और जो भी सॉल्यूशन निकालना है वो सॉल्यूशन टेररिज्म, वायलेंस, क्राइम उनके इस्तेमाल करने के बगैर होगी और डायलॉग के साथ, पीसफुल डायलॉग के साथ इसका हल निकाला जाएगा। वॉट एवर यू माइट हियर अबाउट इन द प्रेस हुआ, वॉट एवर दीज पॉलिटिशियंस कीप सेइंग, बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर इज अ जेन्युइन चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दैट चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर विल रिफ्लेक्ट इटसेल्फ इन जम्मू एंड कश्मीर
and I am quite convinced that a peaceful solution shall be found much, much sooner than people imagine. इस मुलाकात में सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर कमेटी के सामने अपने मौकफ का इजहार किया, जबकि मीरवाइज उमर फारूक, शबीर शाह, नईम खान और यास्मीना राजा भी कश्मीर कमेटी के अरकान से मुलाकात हुए। एक रिपोर्ट। That brought us here is a speedy solution of the problem of permanent peace in Kashmir and at the same time developing a relationship of friendship and cordiality with our neighbor Pakistan. We believe that this time is a very ripe time for resuming the effort which we left off some years ago because of circumstances in which it is not necessary to enter. We have agreed that we shall devote much more time and attention to the solution of this problem and inshallah we shall meet again and in the meantime we will try and produce a basic document for future discussion. That's all that I can possibly tell you and not a word more. What kind of roadmap you are coming up? The roadmap is to settle down the proposals for the political structure which will bring about this peaceful relationship and total avoidance of violence and other troubles. And naturally, this will require a more detailed discussion from time to time. Does Kashmir Committee recognize Kashmir as an international dispute? These are all misleading cliches produced by the press, and the press is complicating the problem. Sir, one question: why did you turn down state protocol? Why you turned down the state protocol? What do you mean by turning down the state protocol? Sir, state protocol. Being an MP, you have a protocol of state. Have you turned down that? What is my protocol? What am I supposed to do as a member of parliament? If you have a security provided by state, state is provided. No. I am here in my capacity as a member of parliament. I am here in the capacity as an Indian citizen who is interested in solving the Kashmir problem. उन लोगों की बात करते हैं जिन पे जुल्म हो रहा था, जिन पे तशद्दुद हो रहा, जिन पे जातियां हो रही थी, जिनके साथ हमेशा वो बर्ताव किया जा रहा है। जो आप यहाँ देख लीजिए, आप हिरन को मारा जाता है, खरगोश को मारा जाता है, बारह सिंगा को मार आंसाम हो, लेकिन यहाँ इंसानों को मारते हैं, यहाँ बच्चों को काटते हैं, लेकिन कोई भी हमारे हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठती है। आइए, वेलकम वेलकम। ये सिख कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन सिंह जी। ये हमारी बेसिक इकॉनमी सिक्स की जो थी यहाँ पे, वो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर पे मुदसर थी। हम लोग बराबर 23 साल में उससे महरूम होते रहे। हर घर का अगर एक नुकसान देखेंगे, 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान जो हुआ। लेकिन अफसोस हमें ये बड़ा गर्व होना चाहिए हिंदू को हिंदू, लेकिन कश्मीर इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम और इसका हल भी हम सियासी तौर चाहते हैं। 95-96 में भी शाह साहब की कोशिशों से ही जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी अगर कुछ आगे बढ़ेंगे तो यही बढ़ सकते हैं। नॉट कम्युनिटीज बट ऑल द रीजन्स ऑफ रीजन एंड एथनिक राम साहब और ये लगातार काम करते हैं। आप इस रीजन से आपका आई एम फ्रॉम जम्मू, नरेंद्र सिंह खालसा। मैं शाह साहब की पार्टी का जम्मू जोन का प्रेसिडेंट हूँ। शुरू से 25-30 साल से शाह साहब के साथ। तो आप सब लोग शाह साहब की पार्टी के? नहीं, जैसे ये तो जैसे जगमोहन सिंह राणा। आज जो ऑल पार्टीज है यहाँ सिखों की ना कश्मीर में, आई एम हेडिंग दैट एज चेयरमैन ऑफ द
talk of that they are all willing to talk. How to establish peace in this subcontinent and prevent war and violence. Within the Indian Constitution, are they willing to talk? Even for autonomy, you will have to change the Constitution of India. You will have to remove one article from the Union list to the state list. So all this is nonsense that is within the Constitution. Everything may require a constitutional change. What does it matter? A number of people have expressed concern that under no circumstances they want the jurisdiction of the Election Commission of India or the Supreme Court of India to be removed if the old autonomy package is revived, because that will mean one of the reasons a lot of people are not willing to consider the old National Conference autonomy formula is precisely because it takes away the jurisdiction of the Supreme Court of India, it takes away the jurisdiction of the GAG, it takes away the jurisdiction of the Election Commission of India. And these institutions have acquired a great deal of credibility and in the past. And the Controller and Auditor General. Yeah, CAG, I said, Controller and Auditor General. And this is a major concern, which is why I think the other proposals that are coming ensure that these institutional safeguards are available to people in Kashmir. There are so many formulas. If you talk of mainstream politicians, as you rightly said, there is autonomy, there is self-rule, and people from this camp also, they have given some. Marshall, sir, what do you think is the can be the basis for dialogue process? I think we'll people's representative will work out the solution. We don't have any formula. ये बात भी है कि जैसे कश्मीर कमेटी ने इस बात को मान लिया है कि हमेशा मान लेते कश्मीर इज ए डिस्प्यूट और इस पे बात होनी चाहिए. हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पीपल टू पीपल डायलॉग शुरू होना चाहिए. बाकी सरकार की सतह पे हम ये नहीं आए हैं, ये अपने तौर आए और इनके हम बड़े मशहूर भी हैं. इन सर गिलानी साहब और शौकत गुरु की वकल उन हालातों में की और साथ साथ में कश्मीर वाले से ये विजन रखते हैं कि मसला है और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी फरीक हैं उनके साथ बात. बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ आते हैं. मेरे सरदार दोस्त इधर खड़े हैं. मैंने तो के आर सिंह और बलबीर सिंह की भी वकालत की, उसको भी फांसी से छुड़ाया था. मान साहब को बहुत सारे डेलीगेशन इंटरलॉक्यूटर्स भी यहाँ हैं, उनसे मिलने में आपको दिक्कत होती है, नहीं मिलते हैं? आपको क्या लगता है जो कश्मीर कमेटी फिर से रिवाइव हुई है इस बिल के, इनसे हमारी एक उम्मीद है कि कश्मीर ये हुकूमत-ए-हिंद पे एक दबाव बढ़ा सकते हैं कि अगर कश्मीर मसला है जिसके ऊपर तीन जंगें हुई हैं, ये दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान नहीं हो सकता है जब तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें शामिल ना किया जाए. ये कश्मीर और दिल्ली के दरमियान नहीं हो सकता है जब तक कि तीनों को एक साथ लेके न चले. फिर कैसे चला जाए वो तो दूसरी बात. थैंक यू वेरी मच. दिल्ली में भी शायद सिविल सोसाइटी पर इम्प्रेस किया जा सकता था या पब्लिक ओपिनियन बनाई जा सकती थी कि नहीं, ये पीसफुल लोग हैं, पीसफुल तरीके से बात हो रही है, लेकिन तब नहीं हुआ. 2010 में एक दिन में जो दूसरी ईद थी, इट वॉज सेकेंड ऑफ ईद, वी लॉस्ट 17 पीपल. व्हाट डेट वाज दैट? इट वॉज ऑन सेप्टेम्बर में था. मैं तब जेल में ही था. इट वॉज 13th of September में. आप देखिए, 9 साल का एक बच्चा, मासूम बच्चा, दिल्ली में उसको मारा जा रहा है. मैं मान लेता हूँ उसके हाथ में पत्थर था. पत्थर से कोई स्पाई थोड़ी मरता है. पत्थर से हिंदुस्तान मतलब थोड़ी हिल सकता है. दिल्ली में आए दिन पथराव होता है, बसें जलती हैं. वही मैं कह रहा हूँ. अच्छा, आप देखें, अभी पिछले दिन नोएडा में एक डिप्टी में 117 लोग मारे गए. एक ही दिन में जब 17 लोग मारे गए जिसमें 9 साल और 8 साल के बच्चे भी शामिल थे, क्या वो नजर नहीं आए? वो कहते हैं ये तो ताज है, कश्मीर ताज है. अगर ताज है तो ताज के साथ ये सलूक किया जाता है, तब उनको नजर क्यों नहीं आ लीडरशिप को कि कश्मीर में यही प्रॉब्लम है. आप लोग स्पेशल स्टेटस चाहते हो ना, मिला हुआ आपको. अच्छा, तीन लोग यूट्यूब पर. नाउ द यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ हैज गिवन इट अप. So they've said that the Security Council resolutions are valid for 40 years. Correct. But that apart, that's 40 years to coffee. But they have given it up. They said that. But I told Mushraf something else. Yeah. I said, Mushraf Sahab, dekho, I am a Sindhi.
Muslim. I have been born and brought up in Pakistan. Are you prepared to hold a plebiscite in Sindh? Sindhi Muslims, 95% will vote to opt out of Pakistan, 90% will join India. You are Sindhi Muslims. Will you have a plebiscite in Balochistan? Impossible. Today was the day on which resolutions had to be passed. Speeches were delivered on both sides. इससे कबल मौलाना शौकत अहमद शाह के लवाकीन के अलावा कश्मीर प्रेस एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अरकान से भी मुलाकातें की। एक रिपोर्ट। किस मुद्दे पे बातचीत हुई? Because we came here for a condolence meeting, not to discuss politics, but politics naturally in a formal way, so our discussion zarur hota hai politics pe. But the major point here is that a good man has been killed without reason. This doesn't reflect well on our civilization. And nor does it reflect well on our police methods. We have to do some quick, honest investigation. आपको लगता है आपके आने से यहाँ पे इनके जख्मों पर कुछ मरहम पट्टी लग सकती है? बेटा, even anybody, even one person comes, it brings some solace. Or we have come here as almost the representatives of a large section of the people of India. It should bring some solace, some consolation, and I'm very happy that we came and we had, in that sense, a very constructive meeting. We would like to appeal to the state government, especially to the मामले में जो भी जिम्मेदार हैं इस कत्ल के, उनको जल्द से जल्द सजा के कटघरे में लाया जाए. और अगर नेक इंसानों के इस तरह कत्ल होते रहेंगे, तो कश्मीर में बचेगा क्या? तो इसलिए ये मुझे लगता है कि कश्मीर कमेटी जरूर ये इशू उठाएगी. इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू कल्प्रिट्स टू बुक, पर्टिकुलरली व्हेन सच अ ग्रेट एंड ऑनेस्ट मैन हैज बीन असैसिनेटेड. सो देयरफॉर वी अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट दे मस्ट डू देयर बेस्ट. कश्मीर कमेटी ने इस दौरे के दौरान मेन स्ट्रीम लीडरों महबूबा मुफ्ती, सैफुद्दीन सोज से भी तबादला ख्याल किया. दौरे के इख्तिताम पर राम जेठमलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया, जिस दौरान उन्होंने कश्मीर के उन नौजवानों की हालत पर अफसोस का इजहार किया जो इस वक्त जेलों में कैद हैं. फॉर एग्जांपल दिस केस, हाउ कैन यू डिटेन अ मैन फॉर 18 इयर्स विदाउट ट्रायल? Also, and you know, in this case, वो क्वाश भी हुआ है, आई बिलीव पी एस ए क्वाश हुआ है, पर फैमिली वो पुलिस थाने में क्वाश ऑर्डर ले जाने से भी डरती है कि एक बार फिर पी एस ए लग जाएगा, और एक ही क्राइम पे 5 बार पी एस ए लग चुका है. द पॉइंट दैट आई थिंक वी आर ट्राइंग टू मेक इज दिस, इफ़ यू हैव अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हियर, इट कैन फार मोर ईजिली प्रेस अपॉन डेली टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली. अगर दोनों मिल जाते हैं आपस में, दिल्ली की हुकूमत की बेईमानियाँ और यहाँ की हुकूमत की इरिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई थिंक इज़ अ फेटल कॉम्बिनेशन. सो सम थिंग्स हैव टू बी करेक्टेड हियर, एंड देयरफॉर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट पीपल हियर स्पीक वन वॉइस टू दिल्ली, और एटलीस्ट अ वॉइस दैट हैज़ अ कंसेंससली यू नो एन एक्सेप्टेबल कंसेंसस बिहाइंड इट. So that state government has said that this case of injustice we want to put an end to, but the Indian government has prevented us from doing it. No such situation has arisen. Day to day governance is the job of the state government. All kinds of dangers can emanate from the continuance of this situation, because ultimately if the people are unhappy, They may revert to other methods of settling their cases of injustice.
last and we have to go. And isn't it terrorism? Absolutely, it's terrorism. Could be the result of injustice sometimes. That's an oversight. You can't deny that. कौन है गारंटी? यूनियन मिनिस्टर ने पहले ही आपको मैंडेट देने से इनकार किया हिंदुस्तान की सरकार. सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड इट्स मैंडेट फॉर कश्मीर कमेटी. देन स्टेट गवर्नमेंट आल्सो रिफ्यूज्ड. आई डोंट, आई एम अ सिटीजन ऑफ माय कंट्री. My question arises. The Indian government needs a mandate from me. I don't need a mandate from them. My question arises here. United Jihad Council and Pakistan. क्या उनका mandate Kashmir Committee के लिए है, जिसके दौरे पाकिस्तान के बाद आप कश्मीर पहुंचे? I am sorry, I have no mandate from anybody. I am also a citizen of India, and I am interested in the Kashmir problem. I am interested in India and Pakistan being friends. Sir, on AFSPA. Thank you. I don't require any mandate for. Sir, on AFSPA, Armed Force Special Force Act. What is your take on Armed Force Special Force Act? Beta, basically, it is an evil act. Can only be justified by very grave necessity. I believe that conditions can be created in which that act should go. राम जेठमलानी की कश्मीर कमेटी के अरकान की श्रीनगर आमद पर लोग तरह तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं. ताहम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर के मसले के हल में यहाँ की मेनस्ट्रीम और इलाहदगी पसंद जमातें अब एक जुबान नजर आ रही हैं, जिनका मानना है कि इस मसले की वजह से भारत और पाकिस्तान के साथ साथ खुद रियासत जम्मू कश्मीर आबादी जहनी अजाब से दो चार है. तीनों इलाकों के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि ये मसला दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत हाल का बाइस न बन जाए, जिसमें तीनों फरीकों का नुकसान होगा. इसी के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट के इस शुमारे से डीजे एचबीएन की पूरी टीम को इजाजत. इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नए शुमारे के साथ. जब तक के लिए अल्लाह निगेबान.